इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तलवार दंपति की रिहाई का परवान जारी हो चुका है। इससे पहले प्रोसेस चल रही थी कोर्ट में, सीबीआई की कोर्ट में चल रही थी ये प्रोसेस तलवार दंपति की रिहाई को लेकर, और अब ये जानकारी मिली कि तलवार दंपति की रिहाई का परवाना जारी कर दिया गया है। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने जारी किया है परवाना। तलवार दंपति की रिहाई से जुड़ी सबसे बड़ी खबर समाचार प्लस पर हम आपको बता रहे हैं, सीबीआई कोर्ट की तरफ से परवाना जारी कर दिया गया है। अब ये परवाना दासना जेल पहुंचेगा और उसके बाद ही रिहाई हो पाएगी तलवार दंपति की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज तलवार दंपति की रिहाई होनी है। आरुषि हेमराज मर्डर केस मामले में हाईकोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया है तलवार दंपति को, और लगातार रिहाई को लेकर कोशिश लेकिन कई अड़चने, और इन कई अड़चनों के बीच तलवार दंपति की रिहाई का परवाना आज जारी कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से, और अब ये परवाना दासना जेल पहुंचेगा। परवाना लेकर दासना जेल जाएंगे तलवार दंपति के परिजन, और उसके बाद तलवार दंपति की रिहाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर तलवार दंपति की रिहाई से जुड़ा यह अपडेट समाचार प्लस पर। अपडेट ये कि तलवार दंपति की रिहाई से जुड़ा परवाना जारी कर दिया गया है सीबीआई कोर्ट की तरफ से। इससे पहले कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई रिहाई को लेकर तलवार दंपति के एडवोकेट की तरफ से, और साथ ही हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी भी दी गई। उसके बाद कोर्ट की तरफ से ये परवाना जारी किया गया है। आपको बता दें, हालांकि जब बार एसोसिएशन की तरफ से ऐलान किया गया स्ट्राइक का, तब लगा कि एक बार फिर से अड़चन आएगी तलवार दंपति की रिहाई में। दरअसल 13 अक्टूबर को हाईकोर्ट की तरफ से बरी किया गया था इस मामले में, और लगातार तब से कोशिश तलवार दंपति की तरफ से रिहाई को लेकर, लेकिन कोई ना कोई अड़चन पैदा हो जा रही थी जिसके चलते रिहाई नहीं हो पाई। पहले ऑर्डर की कॉपी नहीं पहुंची, और उसके बाद छुट्टी, और फिर आज जब कोशिश शुरू की गई तो उसके बाद बार एसोसिएशन की तरफ से स्ट्राइक का ऐलान कर दिया गया। लेकिन बावजूद इसके एडवोकेट की तरफ से, तलवार दंपति के एडवोकेट की तरफ से कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई, और उसके बाद यह परवाना जारी किया गया कोर्ट की तरफ से। अब ये परवाना लेकर दरअसल दंपति के परिजन पहुंचेंगे दासना जेल, वहां इस परवाने को दिया जाएगा, सबमिट किया जाएगा, और उसके बाद रिहाई होगी तलवार दंपति की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तलवार दंपति की रिहाई से जुड़ी सबसे बड़ी खबर समाचार पत्र पर। सीधे रुक कर लेते हैं गाजियाबाद, हमारे संवाददाता बदयू जमान जो लगातार इस पूरे मामले के पल पल की अपडेट को आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधे रुक करते हैं बदयू जमान, अब क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, यहाँ सीबीआई कोर्ट से परवाना रिलीज हो गया है रिहाई के लिए, और आपसे थोड़ी ही देर में, मुश्किल से 5 से 10 मिनट में वो रिहाई परवाना लेकर के जो परिजन है वो दासना जेल के लिए निकलेंगे, और दासना जेल में उसको जो है जेल अधीक्षक को देखेंगे, जिसके बाद वहां से जेल अधीक्षक जो तलवार दंपति है उनको जेल से रिहा करेंगे। तो कुल मिला जुला करके अब फिलहाल तलवार दंपति के लिए एक बड़ी खुशखबरी है ये, क्योंकि जिस तरीके से तमाम अड़चने आ रही थी वो अड़चने दूर हो गई हैं, और एक बार जब रिहाई परवाना यहाँ से जारी हो गया है जिसके बाद अब उनके छूटने की जो चांसेस हैं वो 100% हो गए हैं। अब सिर्फ वक्त लग सकता है, वो वक्त आधे से एक घंटे का वक्त हो सकता है मैक्सिमम, जो अंदाजा लगाया जा रहा है एक घंटे के अंदर यहाँ पर तलवार दंपति दासना जेल से बाहर होगा। जी बिल्कुल, वाकई बदयू जमा ये एक राहत भरी खबर है तलवार दंपति के लिए, क्योंकि ये एक फॉर्मेलिटी, और इस फॉर्मेलिटी पर उनकी रिहाई लगातार अटकी हुई थी, लेकिन अब परवाना जारी कर दिया गया है। आपने बताया एक घंटे का वक्त लगेगा वहां पर, अब किस तरीके से अब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब पल पल का इंतजार तलवार दंपति के लिए मुश्किल हो रहा होगा, वो भी उस वक्त जब अब परवाना भी जारी हो चुका है। जाहिर तौर पर अब उनके लिए रिहाई जल्द से जल्द, अब इसी की उम्मीद उनकी तरफ से लगाई गई होगी। देखिए, बिल्कुल, तलवार दंपति के लिए जिस तरीके से बाहर आने में अड़चने पैदा हो रही हैं, उनको तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि वो बाहर नहीं निकल जाते, क्योंकि जिस तरीके से अपडेट है लगातार तलवार दंपति भी कहीं ना कहीं, अगर कोर्ट ने उन्हें मुहैया कराया, जेल ने अगर उन्हें सुविधा मुहैया कराई होगी तो उन्हें भी खबरें पता लग रही होंगी, और जाहिर सी बात है ये उनके लिए एक बड़ी खुशी की बात होगी अगर वो इस अपडेट से वाकिफ होंगे। लेकिन कुल मिला जुला करके जो उनकी बेचैनी थी वो तब तक जारी रहेगी मेरा ख्याल है, जब तक कि ये रिलीज ऑर्डर उन तक पहुंचे। आप लगातार पूरे अपडेट पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।